बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम एक्स मोबाइल डिस्को प्लस की अनबॉक्सिंग करें और इस फ़ोन के बारे में आपको बताएंगे कि ये फ़ोन इस्तेमाल करने में कैसा है, इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ कितना है, इस फ़ोन के अंदर बैटरी कितनी mAh की और इस फ़ोन के अंदर कितनी सिम लगती है। ये सारी बातें तफसील से आपको बताएँगे और इस फ़ोन के जो फीचर्स वगैरह हैं उनका कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो फ़ोन को करते हैं अनबॉक्स। बॉक्स को हमने अनरैप कर दिया, अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर डिवाइस का कलर कौन सा है। जी, ये डिवाइस जो अवेलेबल होगी ब्लैक प्लस रेड कलर में ये डिवाइस अवेलेबल होगी। एक्सेसरी क्या क्या है, साथ बैटरी है और इसके बाद एक चार्जर है जो आम नॉर्मल हल्की सी क्वालिटी का चार्जर होता है कीपैड फ़ोन के साथ, और साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो इस फ़ोन के अंदर जो आपकी सिम इस्तेमाल हो सकती हैं वो 4 सिम इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। क्वाड सिम ये फ़ोन है, 3000 mAh इस फ़ोन की बैटरी है और इसका जो स्पीकर है बड़ा स्पीकर है, जंबो स्टीरो इस फ़ोन का स्पीकर है। साथ इसका जो डिस्प्ले है वो 2.4 इंच इस फ़ोन का डिस्प्ले है। सुपर LED टार्च लाइट इसके अंदर है, कैमरा है और इसके बाद वायरलेस FM रेडियो है। इसके बाद इस फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मौजूद है। फ़ोन की लुक देखते हैं। ये जो फ़ोन है एक्स मोबाइल का डिस्को प्लस के नाम से ये मार्केट में आया और इसके अंदर जो सिम इस्तेमाल होगी 4 सिम इस फ़ोन के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। ये फ़ोन की फ्रंट साइड है कीपैड फ़ोन का सेपरेट, और ये टॉप के ऊपर ये LED टार्च लाइट हैं, 2 बड़ी LED टार्च लाइट हैं और 3 छोटी LED टार्च लाइट हैं। फ़ोन का बैक साइड है, बैक साइड में भी एक डिज़ाइन दिया गया, दोनों साइडों से प्लेन है और दरमियान में एक कर्व टाइप डिज़ाइन दिया गया इसके अंदर। ये फ़ोन का स्पीकर है, स्पीकर फ़ोन का बड़ा है और साथ ये कैमरा है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे हैंड फ्री लगेगी और यहाँ पे चार्जर लगेगा। ये साइड पे टॉर्च लाइट का बटन दिया हुआ है। इस फ़ोन के अंदर सिम सेटिंग कैसी है, यहाँ पे सिम 1 लगेगी, सिम 2 और सिम 4 यहाँ पे आएगी और सिम 3 यहाँ पे आएगी। ये इस तरह की कोई सिम सेटिंग इस फ़ोन के अंदर दी गई है और यहाँ पे जो है इस फ़ोन के अंदर माइक्रो SD कार्ड आप लगा सकते हैं, 16 GB तक, 16 GB तक यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड इस फ़ोन के अंदर लगेगा। तो अब हम करते हैं इस फ़ोन को ऑन करके इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशन उनका कंप्लीट रिव्यू करते हैं और 1 by 1 देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर जो 4 सिम की ऑप्शन है वो कैसे आती है। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट की कितनी स्पेस है। कॉन्टैक्ट सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके मेमोरी स्टेटस में जाएंगे। इस फ़ोन के अंदर जो आपके कॉन्टैक्ट सेव होंगे वो 1000 कॉन्टैक्ट सेव होंगे और आई थिंक 4 सिम फ़ोन है, 1000 कॉन्टैक्ट की स्पेस कम है। इस फ़ोन के अंदर 2000 कॉन्टैक्ट स्पेस तक होनी चाहिए थी क्योंकि ये जो फ़ोन है ये 4 सिम में फ़ोन है। और इसके बाद अब हम चेक करते हैं कि इस फ़ोन के अंदर मैसेजेस की कितनी स्पेस है। मैसेजेस में ब्लैक लिस्ट की ऑप्शन भी दी गई है। मेमोरी स्टेटस में जाके चेक करते हैं, जो इस फ़ोन के अंदर मैसेजेस आपके सेव होंगे वो ओनली 200 मैसेजेस आपके इस फ़ोन के अंदर सेव हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही कम है, ना होने के बराबर है। मीडिया में आते हैं, मीडिया में वीडियो प्लेयर है, वीडियो रिकॉर्डर है, इमेज व्यूअर है और साउंड रिकॉर्डर है। ये कुछ मीडिया में 4 तरह के फंक्शन दिए गए हैं। म्यूज़िक है। इसके बाद एक्स जोन में आते हैं, एक्स जोन में ऑटो कॉल रिकॉर्ड की ऑप्शन है, वॉइस फीड की ऑप्शन है, आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी वॉइस फीड होती रहेगी। स्पीकर LED है, मोबाइल ट्रैकर इस फ़ोन के अंदर है, स्केजुअल SMS है, बैटरी सेवर है, डाटा प्रोटेक्शन है, कीपैड लॉक है, ब्लैक लिस्ट की ऑप्शन है। इस फ़ोन के अंदर वाइट लिस्ट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोन का FM रेडियो चेक करते हैं क्योंकि FM के बारे में बताया गया कि इस फ़ोन का जो FM है वो वायरलेस FM है। जी, FM ठीक है, तकरीबन FM वायरलेस FM है, ओपन FM है। इसके साथ आपको हेडफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप खुद लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में क्या क्या है। सेटिंग में क्वाड सिम सेटिंग है, सिम 1 सेटिंग, सिम 2, सिम 3, सिम 4 ये सेटिंग आ गई है। फ़ोन सेटिंग में आते हैं, फ़ोन सेटिंग में टाइम डेट है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज इस फ़ोन के अंदर कौन कौन सी हैं। फ़ोन के अंदर जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज इस फ़ोन के अंदर अवेलेबल है, इंग्लिश उर्दू। और इसके बाद डिस्प्ले की सेटिंग है, डिस्प्ले में वॉलपेपर है, शो डेट एंड टाइम है, शो ऑपरेटर नेम है, बैक लाइट है, ये बैक लाइट है, कीपैड बैक लाइट टाइम और LCD बैक लाइट टाइम, ये डिस्प्ले में कुछ हैं। शॉर्टकट्स में क्या है, शॉर्टकट्स में अलार्म है, ब्लूटूथ है, कैलकुलेटर, कैलेंडर, प्रोफाइल्स है और रेडियो है, ये कुछ चीज़ें शॉर्टकट्स में हैं। डेडिकेटेड कीज़ हैं, डेडिकेटेड कीज़ में अगर हम अप करेंगे तो शॉर्टकट्स ओपन हो जाएंगे, डाउन करेंगे तो एक्स जोन आ जाएगा, लेफ़्ट करेंगे राइट मैसेजेस और राइट करेंगे तो म्यूज़िक आ जाएगा। मेन्यू वाइब्रेशन है, स्केजुअल पावर ऑन ऑफ है,
ये फ़ोन सेटिंग में कुछ चीज़ें हैं, प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल्स में हम जाके चेक कर लेते हैं कि इस फ़ोन के अंदर जो रिंग टोन्स हैं वो किस किस्म की हैं। सिम वन पे पहले रिंग टोन चेक करते हैं जी। ये सिम वन पे आपकी जो रिंग टोन है वो 3 रिंग टोन सिम वन के ऊपर है, और सिम टू के ऊपर भी 3 रिंग टोन है, और सिम फोर के ऊपर भी रिंग टोन है, और चारों सिम के ऊपर सेम रिंग टोन हैं। आप इस फ़ोन के अंदर कोई अदर रिंग टोन ख़ुद से अगर डलवाएं तो आप हर सिम के ऊपर अलग रिंग टोन लगा सकते हैं, लेकिन इस फ़ोन के अंदर जो ऑप्शन है वो नहीं है। इस फ़ोन के अंदर 3 रिंग टोन हैं और चारों सिम के ऊपर सेम ही रिंग टोन इस्तेमाल होगी। और इसके बाद नेटवर्क सेटिंग है, सिक्योरिटी सेटिंग है, फ़ोन रीसेट की ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे तो फ़ोन रीसेट हो जाएगा। गेम लॉफ्ट है, गेम लॉफ्ट में एयर स्ट्राइक की गेम है, एयर स्ट्राइक वाली गेम इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, और दूसरी जो गेम है लूडो है, लूडो गेम आपको बाय करनी पड़ेगी, बाय आपको 30 रुपीज़ में बाय करनी पड़ेगी, और इसके बाद इसके अंदर जो 5 फ्री ट्रायल्स दिए गए हैं। ऑर्गेनाइज़र में जाते हैं, ऑर्गेनाइज़र में देखते हैं क्या अलार्म है, कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, ब्लूटूथ है, और सिम टूल किट है। ये ऑर्गेनाइज़र में कुछ चीज़ें अलार्म की चेक कर लेते हैं कि अलार्म के अंदर जो रिंग टोन है वो कैसी है। ये अलार्म में 2 रिंग टोन दी गई हैं कि जब आप अलार्म लगाएंगे तो इसमें 2 रिंग टोन होगी, क्योंकि इस फ़ोन का स्पीकर बड़ा है तो इसकी ज़ाहरी बात अलार्म की जो रिंग की आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ होगी। ये वाला बटन है साइड पे, ये बटन टॉर्च लाइट का, इसको आप पीछे करेंगे तो टॉर्च ऑफ हो जाएगी और आगे करेंगे तो टॉर्च ऑन हो जाएगी। ये साइड पर 2 बड़ी LED टॉर्च लाइट हैं और दरमियान में 3 छोटी छोटी टॉर्च लाइट्स हैं। राइट साइड पर करेंगे तो म्यूज़िक आ जाएगा, लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो राइट SMS आ जाएगा, डाउन करेंगे तो X जोन होगा, और अप पे इसको करेंगे तो ये अलार्म वगैरह की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। तो इसके बाद अब हम इस फ़ोन का जो कीपैड है वो चेक करते हैं कि इस फ़ोन का जो कीपैड है वो कैसा है। ये फ़ोन का कीपैड है, कीपैड का जब बटन दबाते हो तो साथ आवाज़ आती है, इसको आप पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो कीपैड वैसे ठीक है इस्तेमाल करने में, लेकिन कीपैड का जो फॉन्ट साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी ये इस फ़ोन की वॉइस क्वालिटी भी तकरीबन ठीक है। एक्स मोबाइल डिस्को प्लस 4 सिम फ़ोन जिसकी आज हमने अनबॉक्सिंग की और इसका कंप्लीट रिव्यू किया, और इस फ़ोन के बारे में आपको कंप्लीट बताया कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और इस फ़ोन की बैटरी कितनी है, डिस्प्ले साइज़ कितना है, सारी चीज़ें आपको तफसील से बताएँ। तो अब हम करते हैं इस फ़ोन की प्राइस की बात। इस फ़ोन की जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है वो चल रही है 3,750 रुपये, 3,750 की प्राइस में ये अभी फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है, एक्स मोबाइल डिस्को प्लस 4 सिम वाला। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।